डियर व्यूअर्स, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से काइनमास्टर को पीसी में रन कर सकते हैं। डायरेक्टली हम आपको इसका प्रोसीजर दिखाएंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरीके से आप काइनमास्टर को पीसी में रन कर सकते हो। सबसे पहले हमने पीसी में गूगल क्रोम में जाना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है स्क्रेसिफाई, तो इसको हमने सर्च करना है सबसे पहले, और यहाँ से हमने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। जो पहले यहाँ पर वेबसाइट आएगी इस पर हमने क्लिक करनी है, उसके बाद हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हमने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, तो यहाँ से हमें आता है, या आप हमारे कर्सर को फॉलो कीजिए, तो यहाँ पर हमें आता है रिलीज्ड, यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है, इस पर हमने क्लिक करनी है। और यहाँ पर हमें नीचे जाना है, असिस्ट आता है, असिस्ट वाला सेशन जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपको अपने पीसी के हिसाब से लेना है, आपको 32 बिट्स का है या 64 बिट्स का है। तो हमारा यहाँ जो है 64 बिट्स का है, हम 64 बिट्स वाला डाउनलोड करेंगे। तो मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, ये जिप फाइल में होती है। इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी फाइल जो है ऐसे बन के आएगी। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो फाइल है हमारी कंप्लीट हो गई है एक्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ से हमने यहाँ जो मेरा कर्सर है यहाँ पे, इस पर ये वाला हमें ओपन करना है। लेकिन ओपन करने से पहले सबसे पहले हमने मोबाइल पे जाना है। तो सबसे पहले हमने इस केबल को जो है कनेक्ट करना है अपने मोबाइल के साथ और पीसी के साथ। तो हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर भी ये कनेक्टेड हो गई है। तो इसके बाद हमने जाना है, यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करनी है। और इसके बाद हमने सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जो जाना है हमें एडिशनल सेटिंग्स, या अगर आपका एडिशनल सेटिंग्स नहीं है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पे है डेवलपर्स ऑप्शन। तो इसमें जाने के बाद हमने नीचे आना है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कहाँ जाना है। यूएसबी डिबगिंग पे क्लिक करनी है, इसको ऑन करना है, और यहाँ पर इसको एक्सेस देनी है। तो इसके बाद हमने इंस्टॉल वाइवा यूएसबी, इस पर भी क्लिक करनी है, इसको ऑन करना है, और इसके बाद ये वाला ऑप्शन भी हमने जो है ऑन करना है। तो यहाँ से ये तीनों ऑप्शंस ऑन हो गए हैं। यहाँ पर यूएसबी डबिंग, ये आपकी सेटिंग्स पे मोबाइल की सेटिंग्स से मिल जाएंगी। और इसके बाद हमने जो काम करना है, जो हमने सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर हमारा जो आता है नॉन कंसोल वाला ऑप्शन, ये वाला आपको देखना है, और इस पर जो है हमें क्लिक करनी है, राइट क्लिक, और इसको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका जो मोबाइल है वो आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मोबाइल जो है यहाँ पर ऑन हो गया। अब हमने काइनमास्टर को ओपन करना है यहाँ से, तो यहाँ पर हम काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। हमारा जो मोबाइल में काइनमास्टर है वही हमने ओपन करना है। इससे आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ से रन कर सकते हो अपने पीसी में, और आपकी जो एडिटिंग है इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और इसके बाद हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अभी मैं जो है काइनमास्टर को ओपन कर रहा हूँ, और काइनमास्टर आप देख सकते हो पीसी में अभी चल रहा है। अब यहाँ से मैं किसी भी प्रोजेक्ट को एक को लेता हूँ, और यहाँ से मैं जो एडिटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये पीसी पे काम मैं कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से मैं एडिटिंग इस पर कर सकता हूँ, वो भी ईजिली। तो पीसी पे मैंने दिखाया कि किस तरीके से आप अपने काइनमास्टर को रन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब।